अच्छा आप जैसे एक आध परसेंट लोग ही हैं कि इंटरेस्टेड हैं, एक दो पांच परसेंट बस? देखो जो जो देखिए उसका रीजन ये है, मैं उसको बहुत साधारण सा रीजन बताता हूँ कि उन्होंने एक तो ये मान लिया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। हाँ हाँ, रिटायर्ड के बाद काम खत्म करते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनका असली काम तो अब चालू हुआ है। जी मैं यही चाहता हूँ सर, यही चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद असली काम चालू। दूसरी बात है कि हमारा जो सीएफबी का जो है सीनियर सिटीजन मॉडल है, हम उनकी जिंदगी को स्वर्गीय बना देंगे, मतलब स्वर्ग स्वर्ग में नहीं भेजेंगे लेकिन वो इतनी खुशनुमा हो जाएगी स्वर्ग जैसा। हाँ करेक्ट करेक्ट, स्वर्ग तुल्य हो जाएगी जी, स्वर्ग तुल्य। और उसमें उनके हर एलिमेंट का वो रहेगा जी, क्योंकि जिन वो बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं, बच्चे अपने काम में बिजी हैं, जो महिला आई हुई है वो आज की संस्कृति और संस्कार लेके आई हुई है, वो पहले दिन से ही सोचती है कि जो है ना माँ बाप को वृद्धाश्रम कैसे भेजा जाए। नहीं जी, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, अच्छे लोग भी हैं जी जी हैं, मतलब उसको हर धान को बाईस पसेरी नहीं तोलना है, लेकिन संख्या उन लोगों की ज्यादा है। नहीं उसकी वजह एक सर, आप इस पर आपने क्लियर नहीं किया कि उन वो वृद्धाश्रम भेजना क्यों चाहती, उन्होंने अपने आप को यूजलेस घोषित कर दिया। और यूजलेस की हमारा कहना ये है कि उन्होंने नहीं घोषित किया, आपने अपने आप को खुद किया है। हमारा बुजुर्गों के लिए एक बहुत प्रिस्क्रिप्शन है जी कि आप अपने बच्चों को 100% नहीं देंगे। वो पुराने समय का जो है ना, इस समय का वनप्रस्थ आश्रम और उस समय का वनप्रस्थ आश्रम अलग तरीके का होगा, हर एक का वनप्रस्थ आश्रम अलग अलग होगा, राइट? तो आप पार्टनर रूप रहेंगे और आपको अपना शेयर लेना होगा जी जी जी, राइट? यदि राइट, यदि आप जो है किसी दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, आपको लगता है कि आपका घर छोटा है, राइट? जी जी, तो आपके बच्चों को उस घर के जो भी वैल्यू बनती है वो एज ए रेंट बन देना चाहिए, उसे आधा दे दे, ठीक है ना? और वो पैसा हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर खर्च करो, उसको आप जाके उन्हीं बच्चों पे कर दो, तो वो आपसे जोर से मिलने आएंगे, आपके पैर छुएंगे, उनको लगेगा कि अब जो है ना जो हमारे दादाजी हैं वो हमको गिफ्ट देंगे, तो बच्चे भी और महिलाएं भी सभी दौड़ दौड़ के जाएंगी और उनको बुलाएंगी खाने पे भी, ठीक है ना? तो अभी आपने अपनी वैल्यू जीरो कर दी, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात है कि आप संपत्ति जो है वो वसीयत नामा के थ्रू देंगे, और दैट इज तो यदि वो अर्न करेगा तो वसीयत मिलेगी, नहीं तो वसीयत बदल देंगे। नंबर वन। नंबर टू, जो आपने व्यवसाय जिंदगी भर से क्रिएट किया है, जो एसेट आपने किया है, उस एसेट की वैल्यू जो है ना आपके पास आना चाहिए, चाहे आप उसी को उन्हीं के ऊपर खर्च कर दें। जी, जब आप उनके ऊपर खर्च करेंगे तो आपकी जो स्थिति है वो एक दाता की बनी रहेगी। अभी आपने क्या किया, अपनी स्थिति एक बोझ की क्रिएट कर दी है जी, तो आप बोझ हैं तो फिर बोझ जैसे ट्रीट किए जाएंगे। डू यू एग्री विथ मी? जी जी बिल्कुल। वो कम जो सर, सबसे बड़ा चीज क्या है, जो आज ये जो स्थिति बनी है समाज में, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से है सर। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं है। जो आप सोचोगे, जो आप समझोगे, आप वही बन जाओगे। अदरवाइज आप ये देखिए, एक व्यक्ति जो है ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देखो जस्ट मिनट मुझे करना, गुजरा देखो, एक व्यक्ति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, राइट? जी जी, वो टेकिंग ऑल डिसीजन, डेसिंग, और अच्छा लग रहा है, और जैसे ही वो रिटायर होता साला उसकी हवा निकल जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी अपने प्रति सोच बदल गई है। तो सबसे अच्छा पहला काम करना है, अपने खुद के प्रति सोच बदलिए, नंबर वन। नंबर टू जो है, ये बात छोड़ दीजिए कि आप बच्चों के लिए पैदा हुए हैं, बच्चों के प्रति आपका कर्तव्य है, उसे आप पूरा करिए, लेकिन हर आत्मा की अपनी यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। तो उस यात्रा को यदि आप सोचने की कोशिश करेंगे तो उसे फिर पूरा भी करेंगे। हाँ, यदि आप सोचोगे ही नहीं तो वो पूरी कैसे होगी? जी करेक्ट, नंबर वन। तीसरा ये है कि आप शुरू से अपने परिवार के लिए दाता रहे हैं, तो अपने आप को दाता बनाए रखिए। तो आपने जिंदगी भर जो एसेट पैदा की है उसका जो रिटर्न है वो अपने पास मंगाइए, राइट? फिर उन्हीं बच्चों पे खर्च कर दीजिए।
तो जब बच्चों को रोज मिलेगा ना कुछ कुछ, तो वो दौड़ के जाके पैर छुएंगे, दौड़ के आपको बुलाएंगे, अपना जो है ना जो कुछ कर सकते सब करेंगे। अभी उसको लगता है कि आपका क्या, ये तो मेरा हो गया है। तो फिर उसकी पत्नी को लगता है, एक कहानी है मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी लगी मुझे, कहीं ऐसे व्हाट्सएप पे चल रही थी। तो उसमें था कि एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसकी पत्नी की डेथ तो खैर जल्दी हो गई थी, राइट। हाँ, हाँ। फिर वो जो है बच्चा बड़ा हो गया, तो उसने अपना सब जो है ना इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ बिजनेस वगैरह अपने बच्चे को सुपुर्द कर दिया, राइट जी, राइट। बच्चे जो है ना उसको बहुत अच्छे ढंग से रखते थे, वो प्रसन्न था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन जो है उसने उसकी बहू ने उसके लिए पराठे बनाए, और पराठे थोड़े से, अब उसके साथ कोई गीली सब्जी नहीं थी, कुछ रसेदार सब्जी नहीं थी, राइट राइट। तो वो खाने में जो है ना इनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा, बेटा क्या दही है, क्या दही मिल पाएगा? तो उन्होंने कहा, नहीं 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 पापा, दही नहीं है, ठीक है ना। और इस समय लड़का भी जो है वो नाश्ते के लिए आ रहा था, और उसने वो बातें सुनी उनके बीच की, ठीक है ना। वो चुपचाप बैठ गया, और वो जो है पिताजी को जो है ना पहले नाश्ता किया, पिताजी चले गए, तो बहू ने एक बड़ा से कटोरे में दही जो है उसको दिया, कहा के देखो मैं तुम्हारे लिए दही बचा के रखी थी। बच्चे ने खाना खाया, चला गया। फिर इसके बाद वो अपने पिताजी के पास गया, कुछ ढेर सारी फोटो लेके, और फोटो वो जो है ना वो महिलाओं की थी। कहा कि पापा इनमें से जो कोई अच्छी लग रही हो आप सिलेक्ट कर लो। तो उसने कहा, बेटे तेरा दिमाग खराब हो गया है, अरे इतने साल पहले तेरी माँ की डेथ हुई थी, तब मैंने शादी नहीं की, इस बुढ़ापे में मैं क्या शादी करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं शादी तो आपको करना पड़ेगी, जिससे आपको आपके हिस्से का दही मिले। और उन्होंने कहा कि मैं जो है शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट। और मैं यथावत इसी ईमानदारी से आपके पूरे व्यवसाय को संभालूंगा, लेकिन मैं एक मैनेजर की सैलरी लूंगा, ये व्यवसाय आपका होगा, ठीक है ना। और हमारी पत्नी उस मैनेजर की सैलरी में अपना निर्वाह करेगी, तब उसे आपके जो है ना इस एक दही की जो है ना कीमत समझ में आएगी। तो कितने अच्छे भाव है। नहीं सर, अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि हमारा भारत देश मनीषियों और विद्वानों का भी है, तो ये क्या हुआ कि एक ये आपने कुछ त्रुटि कर ली है इसमें, यदि हम मनीषियों और विद्वानों का और कायरों का भी देश है ये। हाँ, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बदल गई, आप चुप रहे, आपके संविधान में आप असंवैधानिक तरीके से बिना संविधान की प्रक्रियाओं को अपनाते हुए चीजें जोड़ दी गई है, आप चुप रहे। नहीं, मैं संस्कार पर थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ सर यहाँ पर जी, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, उसमें मैं भी गार्जियन हूँ। अपने आप को दोष दो ना, सबसे बड़ी बात है जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपका भी तो अपना शेयर है ना। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर जैसे एक व्यक्ति जो है, जब उसका लड़का 5-7 साल का हुआ, तो वो किसी गुरु या किसी के पास जाके बोला कि बच्चा मेरा 5-7 साल का हो गया, मैं उसकी एजुकेशन कब शुरू करूं? तो उस गुरु ने या उस बंदे ने कहा, विद्वान ने कहा कि उसके जन्म लेने के 20 साल पहले। वाओ, 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 बहुत 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 सही बात कही कि बच्चे के जन्म लेने के 20 साल पहले। और यदि 20 साल पहले ना हो तो कम से कम 9 महीने पहले तो होना ही चाहिए, क्योंकि भ्रूण में भी वो सुनता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि संस्कार जो ये बने हैं पारिवारिक विद्रोह का, ये हमें जेनरेटिव मिलना चाहिए, मतलब ये पैतृक जिसको कहते हैं कि पैतृक गुण, जैसे हमें संपत्ति तो पैतृक मिल गई, लेकिन हमें गुण पैतृक नहीं मिले सर, ज्यादातर यही नहीं, हमें गुण मिले हैं लेकिन वो खराब गुण मिले हैं। हाँ, एकदम राइट सर। मतलब हम जो है ना सिगरेट पिएंगे और अपने बच्चे से कहेंगे कि सिगरेट पीना खराब है, तो वो क्या करते हैं ना बच्चों जो है, आप जो है ना खुद जो है डिबाउच करेक्टर के होंगे, लिबरल रिलेशन में रहेंगे, अब बच्चे को क्या बोलेंगे आप। तो आप अपने एक्शन के द्वारा उन्हें बैड वैल्यूज आप इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको खुद कहेंगे कि जाओ लेते आओ मार्केट से। तो सर बचपन से ही जो देख रहा है बच्चा, जिसे आपने कहा ना कि सर बच्चा तो पेट गर्भ में सीखता है, तो अब घर में बच्चा आया तो युवा अवस्था में आदमी, आपके अभिमन्यु में के केस में यही बताया गया ना कि उन्होंने तो पूरा चक्रव्यूह का वेदन ही उस गर्भ में रहते हुए सीखा था।
तो वही कंडीशन से टर्म में आप ना कि परिवारों में ज्यादातर देखिए सर 10% को छोड़ करके 90% या 75% सर परिवार ऐसे वो जानते ही नहीं कि आगे लाइफ का मतलब क्या है, सिर्फ उन्हें खाना पीना सोना इंजॉय बस हो गया। नहीं, लेकिन यदि यदि ये देखिए ये सोच जो है यदि जनरल परिचर्चा का विषय हो, आपके तो जो सीरियल्स हैं मूवीज हैं जिनसे आप प्रभावित होते हैं वहाँ तो पोर्नोग्राफी लिविंग इलिसिट रिलेशनशिप लिविंग रिलेशनशिप वही आइकॉन बनते जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बनती जा रही है। प्रॉब्लम तो वही है कि जो नचैया है जो दूसरे की स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं जिनको जो है ना ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट और ग्राफिक्स के द्वारा इफेक्ट दिया जाता है वो आपके हीरो बन गए, वो आपकी सेलिब्रिटी बन गए, वो नचैये हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, उनको नचैये बना के रखिए। और जिनका कोई दया धर्म नहीं है, लेकिन उनका दया धर्म नहीं है वो जो है ना कुछ पैसे लेके कोई भी झूठ झूठ का जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं जी। तो ये वो नियम बहुत बढ़िया नियम है, लेकिन उसको नियम बनाने से कुछ नहीं होता, उसको पालन करने की मशीन ही नहीं है इनके पास। बिल्कुल सर, अदरवाइज ये नियम है कि यदि आप गलत जो है ना प्रोडक्ट की यदि पब्लिसिटी करते हैं तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे, ये नियम ऑलरेडी बना दिया गया है। आप बताइए एक व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया क्या आपने? नहीं। तो फिर क्यों नियम बनाया जब आपको प्रोसिक्यूट नहीं करना है? तो आपने ढेर सारे नियमों में ये प्रावधान रखा है कि यदि पुलिस आपका FIR नहीं लिखेगी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई होगी उसी अपराध में। बिल्कुल, आपने एक के विरुद्ध की कार्रवाई, किसी के खिलाफ नहीं की। नहीं तो फिर काहे के नियम कानून है? ये तो बदमाशी है ना, ये तो इसका मतलब है पब्लिक को दिखाने के लिए बनाए गए हैं, नियत है नहीं। बिल्कुल 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 सर, उनको हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर यूज कर रहे हैं, उनको पोस्ट करने के पैसे ले रहे हैं, उनको अपने जगह पे बने रहने के पैसे ले रहे हैं, तो हम तो उस मशीनरी से अच्छी चीज की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे एक संस्था थी, कभी आपने देखा होगा, आप तो रहे हैं उस विभाग में, CBI जिसको बोलते हैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो यही CBI को तोते का पिंजरा बोलते थी, और आज खुद उसने तोते का पिंजरा बिल्कुल उसको ऐसा बना दिया कि तोते का पिंजरे का तोता के बजाय उसको वो बना आपको दिया। मालूम नहीं कि अभी एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कि पहले तो 2 साल का सिक्योरिटी था, राइट? हाँ, राइट। जो कुछ कुछ पदों पे जैसे DGP को भी है, अभी सभी जगह पे नहीं दे रहे हैं, अभी सब कुछ ऐसा ही बदमाशी, हर कोई अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के लिए था, देन CBI के डायरेक्टर के लिए था, IB के लिए था, ROC के लिए था, ऐसे कुछ कुछ था, राइट। अभी इन्होंने जो है एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, अभी 10-15 दिन ही हुए हैं, जिसके हिसाब से अब 1-1 साल करके 5 साल तक एक्सटेंशन दे सकते हैं, राइट? जी जी राइट। तो यदि वर्तमान व्यक्ति आपकी चाटुकारिता के साथ आपके हितों को साध रहा है तो उसे कंटिन्यू कर देंगे, और कोई दूसरा पहुंच जाएगा, साहू जी पहुंच गए कि भाई मैं इससे अच्छे ढंग से करता हूं, यदि और वो पूरा सर्टिफिकेट के साथ, देखिए मेरे पास भी स्पाइन नहीं है, मैं आपकी पूरा जो है ना सेवा करूंगा, तो फिर जो अभी वर्तमान में है उसका टेनवर का एक्सटेंशन ना देके जो ना साहू जी को दे दिया जाएगा। जी जी। तो ये इंस्ट्रूमेंट यदि हम किसी पर्पज के लिए ना बना के अपने मकसद को पूरा करने के लिए बना रहे हैं, और अपना मकसद है, और आपके पास ऑलरेडी जो है अंग्रेजों के जमाने का मशीन तंत्र है जो आपके शोषण के लिए बना हुआ है, तो चाहे तरबूज जो है ना छुरी के ऊपर गिरे या छुरी तरबूज के ऊपर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। बिल्कुल कटना है सर। और ये बताइए कि इसमें कहीं पे भी डिसीजन ना लेने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित होती है क्या? गलत डिसीजन लेने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित होती है क्या? पटवारी गलत नाप लेता है जिसके कारण जो है ना सदियों जो है ना 100-100 वर्ष जो है ना झगड़े चलते हैं, उसकी क्या जिम्मेवारी है? उसके कारण जो मर्डर हो जा रहे हैं उसकी कोई जिम्मेवारी है क्या? आज हमें जो है या तो उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस समय हमारे पास तथ्य अवेलेबल थे हमने ऑब्जेक्टिव डिसीजन लिया है। यदि ये चीज आती है कि आपने सही तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपने विवेक का गलत उपयोग किया है तो उस गलत डिसीजन के लिए आपको अकाउंटेबल माना जाए, और आपको फाइनेंशियल कंपेंसेशन के लिए भी प्रावधान उसमें किया जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा तंत्र अच्छा काम करेगा। अभी तो तंत्र इसलिए बनाया गया ना कि उसका कुछ बिगड़ नहीं है, आप गोली चलाओ, जो मरेगा मरेगा। आज तक बताओ आपको जो है ना जो गोलियां चली किसी का जो है ना वो हुआ है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो फिर क्या है? न्याय व्यवस्था इतनी लंबी है सर
कि आदमी उनके बाद रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद खत्म हो गया, केस चलता रहे। नहीं नहीं, तो फिर जो अपने इतने जुडिशियल आयोग आयोग बनाते हैं, इनका क्या धंधा क्या है? इनकी भी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए सर। अभी तो ये तंत्र जो है जिम्मेवारी तंत्र नहीं है, ये तंत्र शोषण तंत्र है। तो जिम्मेवारी क्यों होगा इसमें? तमाम इसी तरह भी ये गुप्ता सर जो है जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पैसे वालों के लिए है। अब जब तक नहीं नहीं, पर नहीं, नहीं, नहीं देखिए, पैसे वालों के लिए है और खुद पैसा भी बना रही है। तो आप जो प्राइवेसी के और बाकी आधार कार्ड से लिंकिंग विंकिंग में जो आपको प्राइवेसी की दुहाई दे रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल कारण नहीं है। सही कारण ये है कि यदि सभी चीज लिंक हो जाएगी तो ये जो अकूत संपत्ति कमा रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएगी। इन्हें अपने पतलून का डर लगा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। ये इन्हें जो है ना प्राइवेसी और बड़ी बड़ी चीजें वो तो जो है सिर्फ कहने के लिए हैं। आप इस बात को मानते हैं क्या? जी जी मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हा? जी तो चलिए इस वार्तालाप को यहीं पे अंत करते हैं। जी जी, और वार्तालाप जारी रखेंगे। बिल्कुल जारी रखेंगे सर। एकदम लग जाइए सूची बनाने में। बिल्कुल सर। और हर फील्ड के तपस्वियों की वो बनाइए और हमसे शेयर करिए, उनसे हमारी बात शेयर करिए और उनको बताइए कि मैथिली शरण गुप्ता आपको जो है बहुत जोर से खोज रहे हैं और हम उनसे जो है बातचीत भी करेंगे, जरूरत होगी तो उनके पास भी जाएंगे। राइट। तो सर मैं अगर कहें तो एक मिनट के लिए गुप्ता जी को आइए सर, क्या लाइन पे ले लूं क्या, ताकि पर्चे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए।